Hey guys, welcome to my channel Iconic Explorer. Today I am doing the vlog about Sikkim part 2. तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं. आज हम लोग जा रहे हैं रवांगला, नामची और उसके बाद दार्जिलिंग. सो बीच में यहाँ पे रुके, तेमी टी एस्टेट है ये. जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टी गार्डन्स है, बट इस टी गार्डन का खासियत यह है कि ये पूरा पहाड़ों के बीचों बीच है और यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है और सामने से आपको बहुत अच्छा कंचनजंगा का व्यू दिख जाएगा. चलो आगे चलते हैं और दिखाते हैं. ये चारों तरफ पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है और ज़्यादातर एडिशन जस्ट फॉर नॉलेज की सारे टी गार्डन्स का एंट्री 40 to 50 रुपीज़ होता है पर पर्सन. तो यहाँ से आप आगे जाके फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो. दिखाती हूँ आपको जो व्यू दिख रहा है यहाँ से. तो उधर देखो कितना सुंदर पहाड़ का व्यू है. सो अभी इसी रास्ते से हम रवांगला जाएंगे, नामची जाएंगे और उसके बाद हम दार्जिलिंग में स्टे करेंगे. जस्ट सी द एयर इज सो फ्रेश. सो हम अपने सेकंड स्पॉट पे पहुंच गए हैं. आप देख सकते हो वहाँ पे बुद्धा का स्तूपा है और अंदर मंदिर है और पीछे बहुत ही सुंदर कंचनजंगा का पूरा रेंज दिखाई देता है. इस जगह पे क्राउड उतना नहीं है और आप ज़रूर आना. मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप यहाँ पे तो मस्ट विज़िट करो. बहुत ही सुंदर जगह है ये. बहुत सारे सीढ़ी है, हम पूरा अंदर तक जाएंगे, आगे आपको दिखाऊँगी मैं. एंट्री फीस कुछ 30 to 40 रुपीज़ है और पार्किंग इंक्लूड करके कुछ 90 to 100 रुपीज़ ये लोग लेते हैं. बट काफ़ी टाइम क्या रहता है ना, आपके ड्राइवर की तरफ से ही आपका पार्किंग वगैरह होता है तो वो चीज़ पे कर देते हैं. गैंगटॉक से आप कोई भी जगह पे जाओ ना, वैसा होता है कि आउटसाइड गैंगटॉक आप एक जगह इंक्लूड करो तो कुछ 3000 चार्जेस होता है. अब 2-3 जगह इंक्लूड करो तो अकॉर्डिंगली चार्ज डबल हो जाता है, लाइक 6 to 7000. तो हम लोगों ने ना वीज राइड बोल के एक साइट आपको दिखेगा गूगल पे जो सिक्किम में ट्रैवल और टैक्सी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से बुक किया था. तो उन लोगों ने कुछ 5700 लिया गैंगटॉक से पिकअप, दार्जिलिंग ड्रॉप और बीच में रवांगला और नामची घुमाएगा वो. तो ऐसे हमने वाइजली प्लान किया था ताकि हम एक दिन पे ही पूरा कवर कर पाए. और चलो अभी हम अंदर तक जाते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का. चलो अब अंदर तक चलते हैं सीढ़ी चढ़ के. आप आते हो तो ज़रूर ऊपर तक जाना और अंदर तक जाना, जितना भी सीढ़ी हो. अलग ही सीरेनिटी और पीस है यहाँ पे, कोई क्राउड नहीं है और मतलब कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है. बहुत ही अच्छा लगेगा आपको. इवन आप यहाँ पे आओगे तो आपको भूख वगैरह लगेगा तो यहाँ पे वेज वगैरह खाने को भी मिल जाएगा आपको. नॉनवेज अवेलेबल नहीं है क्योंकि मंदिर है और चीज़ मोमो तो स्पेशल है इस जगह पे. हम फिर इस जगह से निकल जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के और वहाँ पर हमें 2 स्पॉट और कवर करनी है और हमें टाइम नहीं मिला था तो हम पेलिंग नहीं जा पाए थे. तो पेलिंग में स्काई ब्रिज भी है, जैसे कांच की ब्रिज में सब लोग वॉक करते हैं, तो आपके पास टाइम रहेगा तो आप पेलिंग भी जा सकते हो. सो हम लोग अभी रवांगला से निकल चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो काफ़ी ऊंचाई पे है और आपको ऐसे फ्लैग सिक्किम में चारों तरफ दिखाई देगा जो काफ़ी अच्छा वाइब्स देता है. सो वी आर एट नामची. सो दिस प्लेस इज कॉल्ड समुद्र स्तूप. एक्चुअली वी डिडंट रिकॉल द एग्जैक्ट नेम बट इट्स ब्यूटिफुल. इट्स एट 7000 फीट ऑल्टीट्यूड. दिस इज द बुद्धिस्ट टेम्पल. वी आर हेयर एट, वी आर एक्चुअली टायर्ड बिकॉज इतने सारे सीढ़ी सब जगह पे चढ़ना उतरना पड़ रहा है. ये देखो आसमान देख रहे हैं. अरे क्या देख रहे हो आसमान में? ये जगह इसलिए फेमस है क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट बुद्धा का स्तूपा है. पेलिंग का जो स्काई ब्रिज है और जो बुद्धा पार्क है रवांगला में, वो ज़्यादा साल नहीं हुआ है बने हैं. यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू दिख जाएगा. हर जगह से एक्चुअली पहाड़ का डिफरेंट व्यू दिखता है. यहाँ से कंचनजंगा का अलग साइड दिखेगा आपको. टाइम स्पेंड करो सारे जगह पे, अच्छे से टाइम स्पेंड करो
क्या है ना कि सारे जगह काफ़ी दूर दूर है पहाड़ियों पे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चार्जेस वगैरह भी ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब एक सिटी से दूसरा सिटी ट्रैवल करने में। और अभी हम इस जगह से थोड़ा टाइम और स्पेंड करके निकल जाएंगे हमारा लास्ट डेस्टिनेशन के और, जो है चार धाम, और दिखाते हैं आपको वो जगह भी। चलो अभी निकलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से। जस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आप अगर सिक्किम दार्जिलिंग दोनों घूमना चाहते हो तो पहले आप सिक्किम जाओ और फिर दार्जिलिंग आओ, क्योंकि क्या होता है ना बहुत बार सिक्किम के पहाड़ ऐसा है कि लैंडस्लाइड हो जाता है और वहाँ से कुछ गाड़ी वगैरह मिलना उतना कन्वीनियंट नहीं रहता है। तो आप दार्जिलिंग में आपको अवेलेबल टैक्सी वगैरह मिल जाएगा जहाँ से आप बागडोगरा एयरपोर्ट कभी भी आ सकते हो, जैसे रात को या दिन को। तो हमने ऐसे ही प्लान किया और चलो अभी नेक्स्ट स्पॉट में जाते हैं। ये हम आ गए चार धाम पे। सो यहाँ से आपको समुद्र स्तूप भी दिखाई देगा, वो एकदम पहाड़ी पे उस साइड में एक डॉट जैसा आपको दिख रहा होगा, वो है समुद्र स्तूप जो इसके पहले वाले स्पॉट पे हम गए थे। 7000 ऑल्टीट्यूड में है और ये पूरा अपोजिट साइड पहाड़ी पे है चार धाम। आप देख ही रहे होंगे कि मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, कोई भी बुद्धा टेम्पल हो, स्तूपा हो या शिव जी का मूर्ति हो, सब इतने बड़े बड़े हैं ना, मतलब ऐसे लगता है कि आसमान छू लेते हैं और बहुत ही सुंदर है। तो क्या है इस जगह पे ख़ासियत ये है कि यहाँ पे इंडिया का जो असली चार धाम है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथ और जितनी भी ज्योतिर्लिंगम है, सबके मिनिएचर्स बना हुआ है। तो लोग क्या करते हैं इस जगह पे आ जाते हैं तो सब एक साथ दर्शन मिल जाता है और बहुत लोग इस जगह को मानते हैं। बट ये साइट ही बहुत सुंदर है, मतलब बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है और टूरिज़्म के लिए तो बहुत ही, ये भी है इंक्लूडिंग मी, लाइक काफ़ी जगह पे जाते हैं तो हम मंदिर स्किप कर जाते हैं, बट ये जगह सिर्फ मंदिर के प्रॉस्पेक्ट से नहीं, ये मतलब एक्चुअली टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो आप ज़रूर आना और ज़रूर देखना कि ये व्यूज़ कितना अच्छा है। चलो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर का आर्किटेक्चर और कैसे है वो भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे सारी जगह पे अंदर पे आप देखोगे तो ऐसी मूर्ति का स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, कितना ब्यूटीफुल है। और मेरा ब्लॉग मैं आज यही जगह के साथ यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग पे मैं आपको दार्जिलिंग ट्रिप के बारे में बताऊँगी और जो मेरा गैंगटॉक नथुला का ट्रिप था पार्ट वन में, वो आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा। सो गाइज प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, डू कमेंट्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon for upcoming notification. Till then, tata and bye bye.